भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को 3 साल कैद की सजा, सपा नेता को मिली जमानत, विधायकी पर खतरा। वोटर लिस्ट से यादव व मुस्लिमों के नाम काटने के आरोप पर चुनाव आयोग का अखिलेश को नोटिस, 10 नवंबर तक मांगा जवाब। अगले लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक का बीजेपी प्लान, 150 सीटों पर हो सकती है पीएम मोदी की रैली। पत्नी की सुसाइड का वीडियो बनाने वाला पति बोला, शुरू से जिद्दी थी शोभिता, बढ़ने से पहले खस्ते बनाकर खिलाए। कानपुर में लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी शुरू, 4 दिन तक चलने वाला पर्व शुक्रवार से शुरू हो रहा है। महोबा में गेटमैन के सो जाने से खुली रह गई क्रॉसिंग व धड़धड़ाते आ गई ट्रेन, फिर चालक की सूझबूझ से टला हादसा। यूक्रेन युद्ध के बाद जयशंकर करेंगे रूस की पहली यात्रा, सरगेई लावरोव से यूक्रेन समेत कई मसलों पर करेंगे बातचीत। आठवले ने दिया सीएम केजरीवाल को जवाब, कहा भारतीय करेंसी नोटों में अंबेडकर की तस्वीर होनी चाहिए। सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर, अमित शाह बोले 2024 तक हर राज्य में होगी एनआईए की शाखा। समान सिविल संहिता के निर्माण के लिए संसद को आदेश देने हेतु एससी से की गई मांग, तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती।